की गालियों से बचने के लिए हमने पहले ही वीडियो चालू कर लिया। ओ माय गॉड। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं सुबह के 7 बजे से। सुबह सुबह जहाँ देखो सबके घर थोड़ा थोड़ा सा धुआं दिख रहा है, मतलब हमारी तरह सबकी गायों के पास भी मक्खियां हैं। मम्मी करवा रही है सुबह सुबह गाय को स्नान। और आज मौसम की बात करें तो बादलों की वजह से सूर्यदेव की एक आंख दिख रही है थोड़ी सी, वो देखो साइबा भी पूरी कौन दिखे। तो सुबह सुबह मेरा काम होता है घर में झाड़ू पोछे का, और वीडियो के चक्कर में हमेशा लेट होती हूँ। तो चलो सबसे पहले चलते हैं, झाड़ू पोछे करते हैं और उसके बाद अपनी वीडियो को दोबारा शुरू करते हैं। 15-16 मिनट बाद बजने वाले हैं 11। मम्मी बनाएगी अभी टिंगसी की सब्जी, इसीलिए देखो टिंगसी को पहले स्नान करवा रही हैं। आपने खाई है कभी टिंगसी की सब्जी? और साथ में बनाएगी चौले की सब्जी। यहाँ पे हमारी दादी माँ बना रही हैं राजस्थानी सूप। क्या बना रहे हो दादी? राबड़ी बनाओ। राबड़ी बनाओ? हाँ। अच्छा राबड़ी। अच्छा कौन है? थर वीडियो बनो, मैं वीडियो बनो, वीडियो वीडियो बनो। हाँ ये बन रही है राबड़ी। किसी ने क्या खूब कहा, लेकिन क्या कहा ये नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि समय की कदर करनी चाहिए, जो कि मेरे हाथों बिल्कुल भी नहीं हो रही। क्योंकि देखिए अभी शाम के 5 बज चुके हैं और पूरे दिन में क्या काम धंधा किया ये कुछ दिख ही नहीं रहा। और रही बात वीडियो और शॉर्ट्स की, तो वो भी एक भी नहीं बने। और आपको अपना समझ के मन की एक बात बताऊँ ना, तो देखिए कंटेंट की थोड़ी सी कमी आ चुकी है। अगर आपके दिमाग में कोई नए विचार हो तो थोड़ी सी मदद कर सकते हो। लेकिन हाँ, शादी के टॉपिक को छोड़ के बाकी समझने वालों के लिए इतना ही काफ़ी है। ज़्यादा मंगती पढ़ा मैं करूँगी नहीं। और भाई जका भी लोग कहवे ना कि व्लॉग बनाना बहुत सारा काम है, बस फ़ोन पकड़नो और फटाफट बोलनो, तो भाई बिना ध्यान बोले कहीं और तो बताओ। और अगर ये तो भी सारा लगे ना, तो एक बार खुद कॉन्टेंट निकाल पर और एक व्लॉग बना ट्राई करीजियो। मैं ये नहीं कहूँ कि कोई बना नहीं सके, बना सके, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन ये काम ने कोई काम समझे ही कौन नहीं। एक दो दिन पहले मामले सर से बड़े पापा आए थे, आज घर पर आए हैं इसीलिए गप्पे मार रहे हैं। नसो नहीं करना। ओ माय गॉड। ये देखिए रानी मासा की चोटी, जहरीली चोटी भी चुरकंट हो जा। वाव। बाय। ये आ गए हमारे चाचा। थे ही जाओ गाँव, मैं गाय ले रहा हूँ। अट बार फिर है। राम राम हो। लग रहा है खेतीबाड़ी। वाह वाह वाह। एक छोटी गाड़ी आवे रोड मार्ग। तो हम आ चुके हैं अपनी लापता गाय की खोजबीन करने, जो सुबह 6 बजे घर से निकलती हैं और शाम को 6 बजे घर आ जाती हैं, लेकिन आ जाने में लेट हो चुकी हैं। इसीलिए मैं और रानी मासा आ चुके हैं सड़क पे गाय को खोदने के लिए। यार नहीं जाना यार। क्या यार मैं कह दिया। चार तेरे हंस बता। अब थारी बारी। एक है? हाँ। हगिया तो मरल गिये घर मर्जी छोरी को जिला। कहीं अरे बना जूस कौन बनियो? हाँ ले चाक फेंक बार सुन तो पी ले। नहीं भाई रे मैं को पियो नहीं। फेंकी ओहो ले जा तन छोड़ू ले गमजा ला छोरा। ये हमारी बड़ी मम्मी का घर।
खा खा के आंतरे चिपक गए, लेकिन पेट देखो कैसा हो रखा है इनका। ये गाय और बिचिया कौन सी क्वालिटी के हैं बताना, यानी कि इनकी नस्ल कौन सी है। लोट भर ले रहे हैं। चारों मेहर घूम के आ गए लेकिन गाय नहीं मिली, इसीलिए मम्मी की गालियों से बचने के लिए हमने पहले ही वीडियो चालू कर लिया। चलो अभी बज गई शाम के 7 और मौसम देखो ऐसा लग रहा है दोबारा सूरज आने वाला है। वैसे अभी बारिश का मौसम हो रखा है और जो ये काले काले बादल आते हैं ना, इन्हें हमारी मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं कड़ाइन। और ये जा रहा है कार्तिक, कहाँ ले जा रहे? भुजिया। अभी मैं बनाऊंगी रोटी, तो किस किस को मेरे हाथों की बनी रोटी खानी है वो आ जाओ, बस कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी सब्जी वब्जी काटने में मेरी मदद कर देना और थोड़े से 4-5 बर्तन पड़े वो धो लेना, और अगर इच्छा हो तो थोड़े से लोहे भी बना देना, और अगर ज़्यादा इच्छा हो तो थोड़ी सी रोटी भी सेक देना, बस काम कुछ नहीं करना है। और हाँ, बुरा मत मानना, मैंने बस मजाक में बोला है, लेकिन अगर आपकी इच्छा हो तो इस बात को हकीकत में भी ले सकते हो। ये देखिए भाई, उस साइड में भयानक वाली बारिश होना शुरू हो चुकी है, लेकिन हमारे इधर अभी तक एक बूंद भी नहीं गिरी है, लेकिन मौसम को देख के ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश आने वाली है। बहुत तेज हवा चल रही है अभी। बस ये होता है हमारा बारिश में पहला काम। अभी बज रहे रात के 10 और मैं लगाने वाली हूँ हाथ के पीछे मेहंदी, क्योंकि देखो आगे थोड़ी बहुत लगी है, तो देखते हैं इस मेहंदी में हमारा कितना टाइम लगता है। तो पूरे 1 घंटे बाद ये मेहंदी बनके तैयार हुई। अब आप सोच रहे होंगे इतनी सी मेहंदी में 1 घंटा कैसे लगा, तो भाई आज मैंने थोड़ी सी अलग डिजाइन ट्राई की थी। और अगली सुबह होती मुझे मिला था दिन का पहला काम लड़ाकू विमान के लिए नाश्ता बनाने का, और नाश्ते में मुझे बनाने थे पोहे, जो कि मुझे सही से अभी तक बनाने नहीं आते, और कौन कौन मेरी तरह आलू का दीवाना है जिसे हर चीज में आलू पसंद है। दो घंटा लगातार बारिश के बाद अब जार मौसम थोड़ा सही हुई और थोड़ी सी शांति हुई, तो इस आंटी रमाई ने मैं बना ली चाय। आ जाओ थे भी पी लो चाय। अभी बज रहे दोपहर के 3 और मैं आ चुकी हूँ चाय लेके दुकान पे। यहाँ पे हमारी दुकान है और यहाँ पे हमारा घर। चलो अभी दुकान की अनबॉक्सिंग करते हैं। ये मेरी 1 घंटे की मेहनत का फल, और आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर। और इसी के साथ आज के इस ब्लॉग को यहीं पूरा करते हैं, और नए ब्लॉग का कोई विचार हो तो बताना ज़रूर। और हाँ, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हाँ एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।